जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो 95,000 का लोन अप्रूव है। कैसे आप लोन के लिए अप्लाई करोगे, कैसे आपको 1,00,000 रुपए तक का लोन मिलेगा, सारी चीजें इस वीडियो में जानेंगे। साथ में क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या आपसे इंटरेस्ट चार्ज होगा, क्या पेनल्टी चार्जेस लगेंगे अगर आप टाइम पर गलती से भी एक किस्त मिस कर देते हो 1 घंटे से या फिर 1 दिन से, क्या पेनल्टी चार्जेस हैं, क्या EMI बनेगी, सारी चीज़ें आपसे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कैसे आप अप्लाई करोगे। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप देख रहे हो 95,000 का जो लोन है वो अप्रूव है और जो EMI बन रही है वो बन रही है 5600 रुपये की, देख रहे हो। और जो 5600 की EMI है 23 महीनों तक हमें भरनी है, पर जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो 33% का ये ऐप चार्ज कर रही है। 33% मतलब ऑलमोस्ट आपका 3% महीने का। अगर आप इस रेट ऑफ इंटरेस्ट देखोगे तो आपके आसपास अगर आप पैसा लोगे तो आपको इस अमाउंट में मिल जाएगा। एक चीज़ बता दूँ, जो ये ऐप है ये RBI रजिस्टर्ड ऐप है और आप किसी ऐसे ऐप के चक्कर में ना फंसें जो RBI रजिस्टर्ड ना हो, क्योंकि आपके साथ स्कैम हो सकता है, आपका डाटा लीक हो सकता है। जब भी आपको अर्जेंट मनी की ज़रूरत है तो हमेशा आप ऐसी ऐप से लोन लें जो RBI रजिस्टर्ड है, वहाँ आपको ये बेनिफिट मिलेगा, जो आपका डाटा है वो सुरक्षित रहेगा। अगर आप टाइम पर लोन की पेमेंट करोगे तो आपका सिविल स्कोर भी अच्छा होगा। वही चाइनीज ऐप में क्या देखने को मिलता है कि अगर आप टाइम पर लोन की पेमेंट नहीं करते हो, एक तो वो आपको सिविल ख़राब कर देती हैं, प्लस टॉर्चर आपको अलग करती हैं। पर आप देखोगे जितने भी, चाहे वो RBI रजिस्टर्ड हो गए चाहे वो चाइनीज ऐप हो गई, सबका रिकवरी का तरीका सेम रहता है। पर जितना टॉर्चर आपको जो चाइनीज लोन ऐप है वहां किया जाता है, उतना टॉर्चर आपको RBI रजिस्टर्ड ऐप में नहीं किया जाता है, समझ रहे हो। तो हमेशा क्या करना है, जब भी लोन लो तो RBI रजिस्टर्ड ऐप से ही लोन लो। पर एक बात और है, जितने भी RBI रजिस्टर्ड ऐप हैं ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करती हैं। अगर आप देखोगे तो अगर आपके आसपास भी आपको इससे अच्छे दामों में जो है पैसे मिल जाएंगे। पर इसका ये फ़ायदा रहता है कि आपको तुरंत किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तुरंत आप अप्लाई करोगे तुरंत आपके खाते में पैसा डाल दिया जाएगा। तो अगर आपको 1,00,000 रुपये तक के अमाउंट की ज़रूरत है तो कैसे आपको मिलेगा। एक चीज़ और बता दूँ, जिस ऐप के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपका 50,000 तक का लोन अप्रूव होगा, वो आपके ऊपर है। 50,000 तक की लिमिट मिल जाएगी आपको, 20 का लेना, 30 का लेना, 15 का लेना। पर जो ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं, लगभग 36% तक ये ROI चार्ज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो 95,000 का लोन अमाउंट आपकी स्क्रीन पर ही है और जो EMI बन रही है वो 5600 रुपए की बन रही है और एनुअल इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहे हैं 33% का चार्ज कर रहे हैं। प्लस इसके बाद जो टैक्सेस होते हैं वो अलग होते हैं। अगर आप पेनल्टी में आपको बता दूं, जैसे कि आप देख रहे हो 700 रुपए की सीधी पेनल्टी लगती है अगर आप एक भी EMI मिस कर देते हो तो, और वो आपको भरनी ही पड़ती है। बहुत ही कम चांसेस में होता है कि जो ये पेनल्टी आपकी माफ करते हैं। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें, अगर आप लोन ले रहे हो तो टाइम से आप लोन की EMI पे करो, नहीं तो जो आपका सिविल स्कोर है ये ऐप बहुत ज़्यादा खराब कर देंगे, साथ में आपको टॉर्चर अलग करेंगे। क्योंकि जो भी आप देखोगे, आप किसी भी, जब भी आप RBI रजिस्टर्ड ऐप में जब भी रजिस्टर करोगे वो आपसे सारा परमिशन ले लेती हैं, आपकी लोकेशन का परमिशन, आपके जो भी डाटा हो गया मोबाइल में, आपके कॉन्टैक्ट्स हो गए, गैलरी की इमेजेस हो गई, सारा डाटा उनके पास चला जाता है क्योंकि आप परमिशन दे देते हो। तो उसी का वो मिसयूज करते हैं। जो भी आपके रिलेटिव्स हो गए उन्हें फ़ोन करेंगे कि भाई पैसा नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, तो आपको एक तरीके से शर्मिंदगी महसूस करवाएंगे। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें, जब भी आप लोन लें तो टाइम पर आप लोन पे करें। तो चलिए अब हम आगे जानेंगे इसका क्या प्रोसेस है लोन लेने का और ऐप का नाम क्या और कैसे आप लोन ले सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो 23 महीने के लिए लोन मिला हुआ है इस अकाउंट में, 95,000 का लोन था, जो EMI बन रही है वो बन रही है 5600 की, और जो लगभग अमाउंट पे करना है 95,000 का वो आपको पे करना है लगभग 1,06,000 1,07,000 के आसपास। अगर आप पहले अगर वो करवाना चाहते हो अकाउंट क्लोज, तो उसमें आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे आप इस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करोगे। RBI रजिस्टर्ड ऐप है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको आ जाना है प्ले स्टोर पर। जैसे कि मैं आप देख रहा हूँ मैं प्ले स्टोर पे आ गया, तो आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप का नाम है नबी UPI इन्वेस्टमेंट एंड लोन। क्या करना है आपको, इंस्टॉल कर लेना। इसकी आप रेटिंग देखोगे 4.3 की रेटिंग है, यानी एक अच्छी रेटिंग मानी जाएगी।
यानी इस ऐप से अच्छा खासा लोन मिलता है और अच्छे खासे समय के लिए मिलता है। बाकी कुछ ऐप्स ऐसे भी हैं जिनकी मैंने वीडियो बना रखी है जो सिर्फ 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, यानी कि 14-14 दिन की EMI बनाती हैं, पर वो भी ROI बहुत ज़्यादा चार्ज करती है, वो तो महीने के 30-25% चार्ज कर लेती हैं। तो फिलहाल अभी आप देखोगे हमारा इंस्टॉल हो रहा है, उतने हम रिव्यू देख लेते हैं, अच्छे खासे रिव्यू नबी ऐप के, ऐसा कुछ नहीं है। और नबी में वैसे भी अब बहुत सारे फीचर्स ऐड हो गए, जैसे कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यहाँ से कि आप जो पेमेंट है UPI पेमेंट भी आप नबी ऐप से कर सकते हो। फिलहाल आपको क्या करना है, जैसे नबी ऐप फिलहाल हमारा इंस्टॉल हो रहा है, इसे इंस्टॉल होने का टाइम देते हैं। आई सोच टू नबी आफ्टर समवन इन्फॉर्म यू अबाउट देयर कैशबैक पॉलिसी। हाँ, जो हाल ही में जो नबी ने जो कैशबैक देना चालू किया है वो भी कहीं ना कहीं जो यूजर्स है उनको आकर्षित कर रहा है। फिलहाल नबी ऐप हमारा इंस्टॉल हो रहा है, अच्छे रिव्यू है, आरबीआई रजिस्टर्ड ऐप है, आप इस ऐप के साथ जा सकते हो। कैसे लोन से अप्लाई करना, आपको क्या करना है, सीधा ओपन पर क्लिक कर देना है, आपके सामने नबी का इंटरफेस आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ आपको अपना नंबर डालना है, तो मैं एक नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद अब OTP आएगा, OTP का वेट, OTP आ गया। ये हो गए हम आपका नबी। इसमें देखिए कैशबैक, तो आपको क्या करना है, आपको जाना है ये देखिए होम इन्वेस्टमेंट लोन वाले सेक्शन में आपको जाना है। जैसे ही आप लोन वाले ऑप्शन में जाएगा ये दिखा रहा है आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। तो क्या करना है, आपको गेट कैश पर क्लिक कर देना है। आपको बता दूं नबी आपको कई तरीके के लोन देता है, पर्सनल लोन देता है, होम लोन देता है, हर तरीके का लोन देता है। तो आपको गेट कैश पर क्लिक करना है। यहाँ देखिए आपसे मैं बोल रहा था ना, आपसे लोकेशन SMS सबके एक्सेस मांगेगा, ये हर एक ऐप मांगती है, तो आपको सिंपली एक्सेस दे देना है। ये हो गया आपका एक्सेस। अब इसमें देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपना पैन कार्ड वेरीफाई करना है, उसके बाद आप क्या काम करते हो, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपको लोन मिल जाएगा, अगर आप सैलरीड हो तो आपको लोन मिल जाएगा। उसके बाद ही हमें बताएगा लोन ऑफर, हम कितने रुपए के लोन तक के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद ही हमारे जो बैंक डिटेल्स है उन्हें वेरीफाई करेगा। उसके बाद आपको KYC करना है, KYC में कुछ नहीं रहता, आपका वही सेल्फी लगती है और जो आपका मोबाइल पे OTP आते हैं, आपके आधार कार्ड जो नंबर मोबाइल से लिंक होगा उस पर OTP आएगा, बस सिंपली हो जाता है। उसके बाद आपको अगर आप एग्री हो कि बता देंगे कि भाई आपकी इतनी EMI बन रही है, इतना हम ROI चार्ज करेंगे, तो उसके बाद अगर आप एग्री हो तो क्लिक करके आप लोन डिस्बर्सल पर क्लिक कर देना और आप विद इन 1 आवर आपके अकाउंट में जो पैसा है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है लोन अप्लाई करने का नबी ऐप से। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर आप ऐप लोन ले रहे हो तो टाइम पर आपको किस्त भरनी है, नहीं तो आपका सिविल स्कोर ही बहुत बुरी तरीके से खराब कर देंगे। तो ये था सिंपल सा वीडियो जहां आपको अच्छा खासा लोन मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।